की देख रहे जैसा कि देख सकते हो भैया, अम्मा जी बढ़िया सुबह से बर्तन धो रहे हैं। तो अम्मा जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हो? अच्छा लग रहा है, देख लीजिए भैया कितना सारा बर्तन धो रही हैं अम्मा जी। देख सकते हो भैया, अम्मा जी का सुबह से काम काज चालू हो गया है। आज आठे हैं, आठे की पूजा होनी है और कन्या भी खवाई जानी है। तो देख लीजिए, ये देख लीजिए थाली वाली लग गया है पूजा का, और ये देख लीजिए जलेबी। जलेबी बनाने वाले अम्मा जी? हाँ। जलेबी की कन्या खवानी है जलेबी जी। ये देख लीजिए अम्मा का पूरी हो गया है पीला पीला, क्योंकि अम्मा जी ने कलर मिलाया था ना अभी सीधे में जलेबी वाला, तो इसलिए। तो अम्मा जी कैसा लग रहा है? देख सकते हो भैया, अम्मा जी का कन्या खाने का इंतजाम हो रहा है। और बढ़िया देख लीजिए पूजा का थाली लग चुका है, नारियल अठवाई और घी शक्कर दिए रख लिए जोट लगा के, और चावल हल्दी अगरबत्ती माचिस सारा चीज़ हो गया है इसमें पूजा का सामान। तो देख लीजिए भैया, और आज कन्या खवाने जा रही हैं अम्मा जी, और ये देख ली। तो अब कन्या के लिए, कन्याओं के लिए क्या जलेबियाँ निकालने वाले हो अम्मा जी? हाँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प हमें भी करना पड़ेगा, तो हम भी करते हैं अम्मा जी। क्यों अम्मा जी? हाँ। तो बोल दीजिए जय माता की फैमिली से। जय माता की फैमिली। आज आठे हैं भैया, आठे का पूजा होता है हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए ये पूजा होंगी आज इसीलिए। और कन्या भी खवाते हैं हम हर छः महीने में नवदुर्गों में, तो चैत की नवदुर्गों में भी खिलाते हैं और कुंवार की। क्यों अम्मा जी? हाँ। तो आज कन्या भी खिलानी है, क्योंकि कटाई बिनाई में होते थे तो अभी तक नहीं खिला पाए, तो आप खिलाएंगे। तो देख लीजिए भैया अम्मा जी का कढ़ाई चल, वो ये इसको क्या बोलते हैं अम्मा जी? इसको तैया बोलते हैं। हाँ, तो इसी में जलेबी निकलता है और किसी चीज़ में जलेबी नहीं निकलता है। क्यों अम्मा जी? हाँ। कढ़ैया में निकाल दें तो? कढ़ैया में नहीं बनती, एक दो बनती। अच्छा, बनता नहीं है इसीलिए। तो फैमिली ये निकलता तो सब में है लेकिन बनता नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है, क्योंकि ये चौड़ा रहता है एक जैसा। ये देख लीजिए अम्मा जी चली गए, क्या लेने गए अम्मा जी? देख सकते हो अम्मा जी बढ़िया क्या तेल लेने गई थी, ये देख लीजिए, ताकि उस कढ़ाई में डाल सकें और जलेबियाँ निकाल सकें तलने के लिए जी। तो देख लीजिए भैया जलेबी कैसे बनाया जाता है, आज आपको पूरा रेसिपी दिखाया जाने वाला है। रात में ये मैदा फुला दिया जाता है, ये काय में फुलाया है अम्मा जी मैदा? ये पानी से। पानी से? तो पानी से मैदा फुला देना है, और थोड़ा सा माठा भी डाला जाता है, मही जिसे बोला जाता है, ताकि जलेबियाँ जब सिनाने के बाद वो कैसी निकले, अम्मा टाइट टाइट निकले। ये देख लीजिए अम्मा जी ने बढ़िया तेल डाल दिया है कढ़ाई में, देख लीजिए आप लोग बढ़िया कि देख सकते हो भैया अम्मा जी बढ़िया फुल तैयारी में। ये क्या अम्मा जी, काजू डालोगे क्या जलेबियों में? हाँ। इतने सारे काजू डालने हैं? काजू डाला जाता है काहे के लिए? सो तो देख लीजिए भैया अम्मा जी, ये काजू लगता है इसमें डाल रहे हैं जलेबी में, काजू डालने से बढ़िया स्वाद आता है क्या? स्वाद आता है। तो क्या होता है इसका? इसको खाया जाता है। तो इसको खाया जाता है तो जलेबी बना रहे हो ना यार, ये काजू क्या कर रहे हो इसका? इसका पन्नी यार तो लगती नहीं मिल रही। अच्छा हाँ, लगती नहीं मिल रही है तो मतलब जलेबी निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो भैया अम्मा जी, ये देख लीजिए इसका लत्ती बना रही हैं वो जलेबी भाने के लिए। तो ये देख लीजिए बढ़िया कोना काट रही हैं, थोड़ा सा कोना कतर देंगी तो बन जाएगा न कटुआ। तो जैसा कि देख सकते हो बढ़िया अम्मा जी ने बढ़िया काट के कितना सा छेद बनाया है, ये देख लीजिए भैया, इतना छोटा सुराग बनाया है ताकि इससे थोड़ा थोड़ा निकले, ज़्यादा ना निकले। तो ऐसे आप काम चलाओ जुगाड़, पन्नी का भी लत्ती बना सकते हैं जो आपके पास नहीं हो, बढ़िया जलेबियाँ बना सकते हो। क्यों अम्मा जी? हाँ, क्योंकि हमारे पास वो हर साल खिलाते हैं ना, तो बनवाया था पिताजी ने, तो रखा रहता था ना कपड़ा जिससे जलेबी भाया जाता है, तो अब नहीं है तो काम चल गया। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी के हमारा सारा काम बनाना आता है, बिगड़े काम बनाना आ जाता है। देख सकते हो भैया मेरी छोटी, ओ अम्मा जी ये क्या डाल रहे हो? सोडा। तो देख लीजिए भैया इसमें सोडा भी डालना है ताकि जलेबियाँ जल्दी से फूल जाएं। और ये देख लीजिए मेरी बहन निर्जला का बढ़िया चौक फूल रहा है, तो कैसा लग रहा है निर्जला? ठीक है। इतना रसगुल्ला बनाने के लिए, रसगुल्ला कब बनाने जा रहे हो? फैमिली को बुला लीजिए, तो आ जाइए फैमिली, भैया जलेबियाँ खा लेना।
ये अम्मा जी ये कहाँ से आ गए, करिए करिए ये कर रखा है। अच्छा ये ऊपर से गिर के आ गया है क्या? पता नहीं। तो देख लीजिए भैया, अम्मा जी ने पॉलीथीन में भर दिया है मैदा, ये देख लीजिए। अब बढ़िया, ये देख लीजिए बड़ा हार्ड पॉलीथीन है। कम कम भरिएगा अम्मा जी, ऊपर से मत निकाल दीजिएगा। अब अम्मा जी ये हो गया कढ़ाई, देख लीजिए सीरा यही रखा है। हाँ वो तेल दिख रहा है क्या आपको? उसमें वो मिला दिया गया है कलर पीला वाला। ये देखिए बिट्टू सी चौक पूर लीजिए पहले अपना। चलिए अभी मैं ध्यान ना अटकाएगी, देख लीजिए भैया। वाह ये फूल बना रहे हो, फूल है ना? क्या है? चौंका। चौंका कि चौक? चौंका। इसमें क्या रखा है? ये नीचे पानी, ऊपर दिया, उसमें बाटती, ये देख लीजिए। तो आपका काम है अम्मा जी, बढ़िया जलेबियाँ तल रही हैं, देख लीजिए भैया। उस तरफ अम्मा जी की जलेबियाँ तल रही हैं, इस तरफ मेरी बहन ने जला का चौक पूरा होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगी पता नहीं। तो हो गया पूरा कंप्लीट, ये देख लीजिए अभी। और ये क्या रखते हो? गमला पूरा सजा के जाओगे आप है ना? जाना कहीं नहीं है, मतलब कहने का मतलब पूरा गमला सजाए बिना थोड़ी छोड़ोगे आप, पूरा सजाओगे उसको। भैया गुस्सा मत करो, छोटे छोटे भाइयों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। अब क्या रह गया? हो गया कंप्लीट? तो अम्मा जी से पूछिए ना, अम्मा जी बताएंगी फिर। अभी और कुछ करना पड़ता है क्या? इतना ही करना पड़ता है अम्मा जी? ओ अम्मा जी इतना बड़ा जलेबा बना दिया है आपने, ये क्या? देख लीजिए भैया पूरा पूरा ये एक चमटा हुआ, देख लीजिए। एक नहीं है, एक ही है पूरा। बाद में टूट जाती है, इनका अलग अलग हो जाएगा, बाद में टूट जाएगा। देख लीजिए भैया अम्मा जी ने जलेबी ने जलेबा बना दिया है। इतना बड़ा जलेबा खा लोगे बिट्टू? हैं सब खा लोगे? ठीक है तो देख लीजिए भैया, हो गया आपका काम कंप्लीट। चच्ची हो तो सिरावत, देख लो भैया निर्जला को भी पता है कि चच्ची होते तो सिराते, उनको आता था ना अच्छे से ना। तो उसका काम हम कर देते, हम रस्से में डुबा देते। अम्मा जी ने इतना बड़ा जलेबा डाल दिया है, भाई बहन निर्जला उसको फुला रही है, वो बन ही नहीं रहा, तो टूटेगा कैसे? नहीं ऐसे ऐसे डुबाओ, ऐसे थोड़ा चला फिरा के। हाँ तो ऐसे तोड़ना है ना, बड़ा बड़ा तोड़ना, छोटा छोटा नहीं तोड़ना है। देख लीजिए भैया जलेबा का जलेबी बन गया है, आप आवाज आइए खाने पर। क्यों बहन सही है ना? हाँ जी 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 बहना, तुमसे नहीं बनेगा, कहाँ ऐसे डुबोते कहा ना करो, वो तो मेरा काम है भैया। अब नहीं पूरे रहेगा सारा दबा दे पूरे ज्यादा, मीठा नहीं रहेगा तो हमको क्या करना है, तुमको खाना है। ये देख लीजिए भैया ऐसे जलेबी डाला जाता है, देख लीजिए अम्मा जी बड़े दोनों दोनों हाथ से भाने में बजी हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। प्रेशर हाथों से दबाना पड़ता है ताकि वो निकलने लगे है ना अम्मा जी, भैया ज्यादा बड़ा ना बनाइए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए भैया निर्जला बढ़िया जलेबियाँ निकाल रही है, लार मत टपका देना उसी में। देखो ये देखो देखो टपकने वाला है, ये देख लो। तो कैसा लग रहा है भैया? मुझको तो लग रहा है कि बढ़िया एक आध दो मिल जाए, पर मिलनी नहीं है क्योंकि जलवे तो आपके है ना, सही है ना? सही कह रहा हूँ ना? मुंडी बस हिला रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो।
या हमारी बहन ने जला कह रही है जलेबियां घुन गई हैं। नकरी को कहा है तो नकरी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे जलेबियां तली जा रही हैं। घुना हुआ जलेबी खाओगे और खिलाओगे तो हम नहीं खाएंगे तुम्हारा जलेबी। तो क्या करूँ, टपक रहा है तो दे दो खाने को, तुम्हारे जल में है ना इसलिए नहीं मिल रहा है हमको। तो भैया अम्मा जी वहाँ जलेबियाँ निकाल रहे हैं, बढ़िया हम जलेबियाँ सीधे में डुबा डुबा के वो निकाल रहे हैं, ये देख लीजिए रख रहे हैं। ओके फ्रेंड, कैसे हो, बढ़िया, आ जाइए, जय माता रानी की। ठीक है भैया, कन्याएं आ गई, कन्या खिला रहे हैं, ये देख लीजिए कुमकुम का टीका ला रहे हैं। सृष्टि के भी लग गया रख गया आपके भी। बच्चे का होम लग रहा है। बैठ जा, बैठ जाता हूँ, बैठ जा। वहाँ फोर हो जाता है। ये भोजन करिए भैया, तो सही है बिट्टू, थोड़ा हमारे लिए भी रख लेना, पहले रख दिया है, देख लीजिए भैया, ये हमारे लिए निकाल के रख दिया गया थोड़ा सा। अम्मा जी अभी कन्या खिलाने के बाद अभी पूजने जाओगे देवी जी? हाँ जी, तो देख लीजिए भैया कन्या खाने लगी हैं, इसके बाद अम्मा जी अब देवी जी पूजने जाएंगी। क्या हुआ मन्नू? ऐसे खिलाते जाओ उसको और आप भी खाते जाओ। खाते जाओ, उसको भी खिला। तो भाई खा लो बेटो, खा लो अम्मा जी, और रख देना, देख लेना। रख रख रख, बिट्टू लगता है सो गई है। सो गए हो निर्जला, जग रहे हो? ये देख लो, तेल भी लगाया जाता है, ये देख ले कन्याओं को, ये देख ले। सबके लगा दे थोड़ी थोड़ी, छोट वाली बिट्टी के नहीं लगा हुआ, ये छोट वाली लगा दे, और एक ही बिट्टी के, एक ही नहीं लगा हुआ। ये देख लीजिए, तेल लगाया, ध्यान देना पड़ता है कन्याओं को इनको, ये देख लीजिए। ओहो, अंगूरों को भी अंगूर मिल रहे हैं, वाह कैसा लग रहा है भैया। अच्छा, नान का तो दे, दूजना का इनका ना दीजिए भैया, दो कन्याए हैं, इनाउन का तो सही थी अम्मा, थोड़ी थोड़ी ले लिया भैया, इनाउन के बल डिटा दे के बिट्टी के। लड़कन के बल डिटा दे दोनों के, भैया देख सकते हो। तो भैया बेटो हमको भी कुछ खिलाया जाएगा कम्पट अम्पट।
रही है। की देख सकते हो भैया अम्मा जी बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो जिसको जिसको आना हो तो आ जाइए फैमिली बढ़िया, तो आ जाइए फैमिली बढ़िया खाने पर। देख लीजिए बढ़िया मस्त खाना खाया जा रहा है, ये देख लीजिए और बढ़िया ये देख लीजिए अम्मा जी ने बढ़िया स्वादार खाना भोजन बनाया हुआ है, मस्त दाल चावल। इसके बाद कहाँ करना है मजी, काटने जाना है जाना काट भी। हाँ तो आ जाइए भैया खा पी लीजिए, हमारा चल के कटाइए हम मस्त मस्तिया से भैया। मस्त मजा आ रहा है भैया भैया पानी डाल चावल ऐसा नहीं होता वापसी नहीं होता रोटी ले